हमारे एक प्रोफेसर साहब थे जो हमसे अक्सर कहते थे कि अपने लाइफ में अपना करियर चुनते समय और लाइफ पार्टनर चुनते समय हमेशा बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। इसके लिए आप जितना भी टाइम ले सकते हो उतना टाइम ले लो, लेकिन दोनों ही बेस्ट चुनो, क्योंकि एक बार अगर आपने दोनों में से कुछ भी गलत चुन लिए तो डेफिनेटली आपको लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करना पड़ेगा। तब उनकी बातें सुनकर थोड़ी हंसी आती थी, लेकिन यकीन मानिए आज वो सर बहुत याद आते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत चावला और यू आर वाचिंग विट्स क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम आपके लाइफ पार्टनर को डिस्कस नहीं करने वाले, डेफिनेटली उसको आपको खुद ही चुनना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आप अपने करियर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, चुन भी सकते हैं, साथ साथ अपने आप को उस तरीके से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम इस वीडियो में 21 बेस्ट करियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कॉमर्स स्ट्रीम के साथ आप कर सकते हैं, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप इन करियर में परस्यू करते हैं तो आपके अंदर किस किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, इसमें आपको किस तरह की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और फर्दर लास्ट में कितना पैसा आप इस करियर के थ्रू कमा सकते हैं। तो अपने आप में ये पहली वीडियो होगी YouTube पे जिसमें कि हम करियर्स के बारे में इतना डिटेल डिस्कशन करेंगे, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि किस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अगर हम एक ही वीडियो में 21 करियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली एक लेंथी वीडियो बन जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग 5 करियर्स के बारे में ही बात करेंगे, और बाकी करियर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले करियर से जो कॉमर्स के साथ आप कर सकते हैं, दैट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉमर्स में हर बच्चे का एक ड्रीम होता है कि वो सीए बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको किन किन तरह के स्किल्स आने चाहिए। अब देखिए, कई बार क्या होता है, हम कोई भी एक करियर चुन लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसके लिए हमारे पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। डेफिनेटली अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं हैं तो फिर आपको दूसरे करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले ये है न्यूमेरिकल स्किल्स। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको न्यूमेरिकल फिगर्स से खेलना आता है, अगर आप डिजिट से खेल सकते हैं, ठीक है, आप रिसर्च स्किल्स, आपके पास रिसर्च करने की एबिलिटी है, राइट। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिसर्च करने की बहुत एबिलिटी होती है, वो लाइक लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं, राइट। थर्ड वन इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। सीए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसके पास एक कम्युनिकेशन स्किल्स भी होने चाहिए, क्योंकि देखो, आपको खुद भी काम करना है और लोगों से काम भी करवाना है और लोगों के लिए काम भी करना है। तो सीए के लिए ये प्राइमरी स्किल्स है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी होने चाहिए। इसके बाद है अटेंशन टू डिटेल। देखो, सीए में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल मतलब आपको हर माइन्यूट डिटेल्स में अटेंशन रखना पड़ेगा, मतलब लाइक आप किसी भी एक छोटी सी भी चीज़ को ओवरलुक नहीं कर सकते। सीए की पढ़ाई करते समय आपको हर डिटेल पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली ये सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है कॉमर्स का, राइट। और साथ में जब आप सीए बन जाते हैं तब भी आपको छोटी छोटी डिटेल्स पर, मतलब लाइक जब आप किसी फर्म के आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे होगे, ऑडिट कर रहे होगे, तो आपको छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे पाते हैं तो डेफिनेटली सीए आप कर सकते हैं। इसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में आप डर जाएं और आपको लगे कि ओके, ये काम तो मैं नहीं कर सकता, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें आ जाएं आपकी लाइफ में तो आप एकदम से घबरा जाएं। तो अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है कि आप छोटी छोटी बातों में जल्दी घबरा जाते हैं तो फिर आपको कुछ और करियर के बारे में सोचना चाहिए, या फिर अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है सीए के लिए, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। देखो, सीए को बहुत टाइम पढ़ना पड़ता है, मतलब आप ये मान के चलिए कि मोटा मोटा आपको दिन में 18 घंटे पढ़ने की अगर आदत है, यानी अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करने की आदत है, आप इतना टाइम आप प्रॉपर अपने आप को मैनेज कर सकते हो। सीए बनने के लिए भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीए बनने के बाद भी डेफिनेटली कुछ सालों तक तो आपको बहुत टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हों। इसके बाद नॉलेज ऑफ लीगल, मतलब नॉलेज ऑफ लीगल मतलब आपको लॉ की पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी कि यहाँ पर लीगल अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, मर्केंटाइल लॉ क्या कर रहा है, कमर्शियल लॉ क्या कर रहा है, आपको तमाम लॉज भी यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। फाइनेंशियल स्किल्स, आपको फाइनेंस को हैंडल करना आना चाहिए। देखो, अगर आप अभी से ही फाइनेंस को हैंडल करते हो अपनी अभी लाइफ में, ठीक है, आप फाइनेंस को कुछ समझते हो, तो आपको डेफिनेटली फिर सीए बनने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग। देखो, सीए बनने के लिए आपकी थिंकिंग जो है बहुत क्रिटिकल होनी चाहिए, मतलब आप लाइक बहुत क्रिटिकल थिंकर हो तो डेफिनेटली आप सीए बन सकते हो, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है सीए बनने के लिए। तो देखो, सबसे पहले आपके पास कॉमर्स होना चाहिए,
क्लास ट्वेल्थ में, उसके बाद आपको एक सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए एंटर करना पड़ेगा, आपको मतलब एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसमें आपने आपको इनरोल करना पड़ेगा। एग्ज़ाम देने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट करेंगे, बाद में आर्टिकलशिप और ट्रेनिंग होगी और लास्ट में सीए फाइनल आप कर पाएंगे। ये एक रूट है। एक दूसरा रूट है, वो है डायरेक्ट रूट, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सीए की एक्सपेक्टेड इनकम कितनी होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, मतलब लाइक एक सीए की इनकम या किसी भी कैरियर की इनकम को एस्टिमेट करना मतलब कोई अच्छा बात नहीं है, लेकिन आप मुझे मालूम है कि आप सब ये जानना चाहते हो कि कौन से कैरियर से सबसे ज़्यादा कमाई होती है। तो यहाँ पर देखो, एक एस्टिमेटेड इनकम है, ये डेफिनेटली कम बढ़ती होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर आप सीए फाइनल है, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको लगभग 5 से 12 लाख रुपए आप एक साल में कमा सकते हैं। अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप कम से कम 10 लाख से 30 लाख रुपए एक साल में कमा सकते हैं। और अगर आप सीए फाइनल हैं और डेफिनेटली आपको 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप 30 लाख से 1 करोड़ रुपया साल का भी कमा सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, बहुत सारे सीए ऐसे भी होंगे जो अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ ही 1 करोड़ रुपया उससे ज़्यादा कमा रहे होंगे। तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है ये, सिर्फ आपको एक लाइक एक जजमेंट करने के लिए आपको बस एक फिगर है, इससे कम ज़्यादा डेफिनेटली हो सकता है, ये एस्टिमेटेड फिगर्स हैं। ठीक है, सेकंड जो आजकल एक बहुत ज़्यादा बस टर्म है, वो है स्टॉक्स। अगर आपने कॉमर्स करियर लिया है, तो आप स्टॉक ब्रोकर भी बन सकते हैं। ठीक है, आप स्टॉक ब्रोकर भी बन सकते हैं। आजकल सब बच्चों के दिमाग में स्टॉक्स बहुत चलता है। ठीक है, तो अगर आप स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास किस किस तरह के स्किल्स होने चाहिए, तो आपको इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी, और फर्दर आप इससे कितना पैसा कमा सकते हैं। राइट, स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए आपके पास सबसे पहले एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, आपके अंदर एनालाइज करने की पावर होनी चाहिए, आप दो चीज़ों में डिस्टिंग्विश करना जानते हो। साथ में रिसर्च स्किल्स, आपके पास रिसर्च करने की एबिलिटी हो, आप चीज़ें ढूंढना जानते हो, मतलब लाइक आप कूड़े में से भी किसी एक अच्छी चीज़ को चुनने की आपके अंदर अगर परख है ना, रिसर्च आप बहुत अच्छी कर सकते हो। फिर है अडैप्टेबिलिटी। अडैप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो स्टॉक एक्सचेंज में जैसे आप चाहोगे वैसा स्टॉक एक्सचेंज नहीं चलती, आपको उसके हिसाब से अडैप्ट होना पड़ता है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज हमारी तरह नहीं चलेंगी, हमको उनकी स्टाइल में, स्टॉक एक्सचेंज के स्टाइल पर अपने आप को लगाकर, मतलब लाइक जैसे स्टॉक एक्सचेंज काम कर रही हैं उसी तरीके से खुद काम करके पैसा कमाना पड़ेगा। तो यहाँ अडैप्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए, मतलब आप हर सिचुएशन में अपने आप को अडैप्ट करा सकें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात, पेशेंस। स्टॉक मार्केट में अगर आपको एंटर करना है, तो आपके अंदर कमाल का पेशेंस होना चाहिए। मतलब ऐसा कहा जाता है कि दीवार पर किया हुआ पेंट को सूखने तक का इंतज़ार अगर आप कर सकते हो, आप जब घास को उगते हुए देखने तक का आपके अंदर अगर पेशेंस है कि घास उग कैसे रही है, इतना कमाल पेशेंस अगर आपके अंदर है, तो आप डेफिनेटली स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क को मैनेज करना। कई बार थोड़ा सा रिस्क लेकर आप बहुत बड़े रिस्क से बच सकते हैं, तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक ब्रोकर के लिए। एबिलिटी टू सेल, आपको चीज़ें बेचनी आनी चाहिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सामने वाले पर बिलीफ, आप सामने वाला आपको बिलीव करे और आपसे आपकी आपकी इन्फॉर्मेशन ले आपसे और आप पर बिलीव करके चीज़ें खरीदे, मतलब आपके पास बेचना भी आना चाहिए। इसके बाद है नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। स्टॉक ब्रोकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी की बेहतरीन नॉलेज हो। ठीक है, अब हम जानते हैं कि स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं। तो देखो, बैचलर डिग्री चाहिए होगी हमें, है ना, तो बैचलर डिग्री इन फाइनेंशियल रिलेटेड फील्ड। ठीक है, इसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप विद द स्टॉक एक्सचेंज, आपको किसी स्टॉक एक्सचेंज में इंटर्न बनना पड़ेगा और आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सेबी से, और ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड हैं स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए। अब स्टॉक ब्रोकर कितना पैसा कमा सकता है, तो ये फिर वही एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, 3 लाख से 8 लाख रुपये साल कमा सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि ये 3 लाख रुपये एक महीने में ही कमा लेते हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक ब्रोकर इतना कम कमाते हो।
तो डेफिनेटली, लेकिन ये एक ऐसी फिगर है जो जस्टिफाइड नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमें लिखना पड़ेगा कि अगर आप इनिशियल स्टेज में स्टॉक ब्रोकर बनते हैं तो आप इतना एटलीस्ट पैसा बीच में कमा ही लेंगे, है ना। इसके बाद आप कितने स्किल्ड हैं इस पर डिपेंड करता है। थर्ड कैरियर है डिजिटल मार्केटिंग। देखो, डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पर बहुत एक बूम पर एक चल रहा है। आजकल हम और आप मोबाइल या इंटरनेट या कंप्यूटर के बिना नहीं रह सकते, तो कंपनीज़ को भी ये बात पता है कि एक इंसान हमेशा मोबाइल चलाएगा, हमेशा इंटरनेट को यूज़ करेगा, तो कहीं ना कहीं उसी के थ्रू हम मार्केटिंग करने की कोशिश करती हैं। तो एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहले आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। फिर रिसर्च एनालिटिकल रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए, आपको रिसर्च करने की आदत, तो आपको आप टाइम दे सकें रिसर्च करने के लिए, राइट। इसके बाद कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन जानते हैं तो डेफिनेटली अपने क्लाइंट्स के साथ, अपनी कंपनी के साथ कम्युनिकेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। क्रिएटिव, सब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिजिटल मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ क्रिएटिव। आप बहुत क्रिएटिव हो। देखो, क्रिएटिव आप समझ रहे हैं ना कि आप किस तरीके से एडवर्टीजमेंट को प्लेस करोगे कस्टमर के लाइफ में, है ना। आप कैसे उसको उस पर्टिकुलर एड को दिखाओगे, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी डिजिटल मार्केटिंग के लिए। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए। प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको आना चाहिए। एबिलिटी टू सेल यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको चीज़ें बेचना आता हो, नॉलेज ऑफ SEO। SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सर्च इंजन में आपकी चीज़ पहले कैसे आए। अब जैसे जस्ट इन केस अगर मान लीजिए मैं गूगल पे सर्च करता हूँ अंबानी, तो अब मुकेश अंबानी पहले आएंगे या अनिल अंबानी पहले आएंगे, तो इसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जिसने सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रखा होगा उन्हीं का नाम पहले आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें अगर कॉमन है तो उसमें से आपकी चीज़ ऊपर आए, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है। एक्टिव इन सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शुरुआत से ही सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो। आपको पता हो सोशल मीडिया काम कैसे करता है, लोग सोशल मीडिया को किस किस टाइम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तब आप कहीं ना कहीं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी सीख पाएंगे और डिजिटल मार्केटिंग में भी आप आगे ग्रो कर सकते हैं। तो शुरुआत से ही अगर आपका बहुत इंटरेस्ट रहता हो सोशल मीडिया में तो डेफिनेटली आपके लिए करियर हो सकता है। इसके बाद कंटेंट राइटिंग भी आपको आनी चाहिए। कंटेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ठीक है। बात करते हैं कि किस किस तरह की क्वालिफिकेशन यहाँ पर चाहिए रही होंगी। तो यू मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री इन मार्केटिंग बिजनेस, मार्केटिंग या बिजनेस में आपके पास बैचलर डिग्री हो और कोई इसी से रिलेटेड फील्ड में, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन होगी तो भी आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। यू मस्ट ऑल्सो हैव एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल मार्केटिंग एक्सपीरियंस। मतलब ऐसा है कि अगर आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है तो आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर्स का प्रोफेशनल कोई मार्केटिंग एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि ये कितने पैसा कमा सकते हैं, तो 6 लाख से लेकर 9 लाख रुपए साल ये कमा सकते हैं। लेकिन फर्दर, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन वर्क एंड एक्सपीरियंस। आपका काम और आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमा लोगे। इसके बाद बात करते हैं 4th पॉइंट, दैट इज़ कंपनी सेक्रेटरी। देखो, CA के बाद अगर किसी के दिमाग में कुछ आता है कॉमर्स में तो आता है CS। CA और CS दोनों ही एक जैसे फील्ड हैं, लेकिन उनकी वर्किंग डेफिनेटली थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो कुछ लोग CA बनना चाहते हैं, कुछ लोग CS करना चाहते हैं। CA और CS लगभग इन लोगों की एक ही प्रेस्टीज होती है ऑर्गेनाइजेशन में। डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा CA को प्रेफर किया जाता है, बट CS की भी अच्छी ही प्रेस्टीज रहती है ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कॉमर्स में एक अच्छा डिमांडिंग करियर है CA, अच्छा पेइंग करियर भी है CA, है ना। तो बात करते हैं कि CS करने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी हैं। अगर आप बचपन से ही ऑर्गेनाइज करने की आपको आदत है, क्योंकि कल को आपको कंपनी को ऑर्गेनाइज करना है, कंपनी के डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है, लीगल फाइनेंस तमाम चीज़ों को आपको देखना है, तो ऑर्गेनाइजिंग की अगर आपके पास आदत है, शुरू से ही आप चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना जानते हैं, तो डेफिनेटली आप CS कर सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। फिर रिसर्च, देखो सब में अब तक एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आपके अंदर रिसर्च करने की पावर हो।
हम लोगों को ना आजकल पकी पकाई चीज़ें मिल जाती हैं, हम लोग गूगल करते हैं हमें आज चीज़ें मिल जाती हैं। और देखो अब देखो एक चीज़ और आ गई, वो होती है AI। AI आपको और रेडीमेड चीज़ें करके दे रही है, आपको सब चीज़ें सोल्यूशन के साथ दे रही है। तो रिसर्च हम कब करेंगे, हम अपने तरीके से कैसे रिसर्च कर पाएंगे चीज़ों को? तो रिसर्च करने की आपको आदत होनी चाहिए, है ना। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। CA करना हो, CS करना हो, डिजिटल मार्केटिंग में जाना हो, सब में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो किसी भी कैरियर में आपको जाना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे तो हमें फर्दर वैसे ही ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, अटेंशन टू डिटेल। CA और CS दोनों में चीज़ें हैं, अटेंशन टू डिटेल, यानी हमें एक एक डिटेल पर ध्यान देना आना चाहिए। हम मतलब ऐसा ना हो कि बड़ी चीज़ों पर ही ध्यान दे पाते हो, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हो। ये बड़े करियर हैं CA और CS, दोनों में ही आपको छोटे छोटे डिटेल्स पर ध्यान देने की आदत होनी चाहिए। ऑलराइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका एटीट्यूड होना चाहिए। इसके बाद है नॉलेज ऑफ लीगल, यानी लॉ आपको अच्छे से आनी चाहिए। CS के लिए लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंपनी लॉ, मर्केंटाइल लॉ, सारे लॉज के बारे में आपको डिटेल अच्छे से पता हो। हालांकि अभी आपको नहीं पता होगा, मुझे मालूम है, लेकिन फर्दर जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको ये सब पता चल जाएगा। इसके बाद आता है फाइनेंशियल स्किल्स, आपको फाइनेंस को भी हैंडल करना आना चाहिए। देखो फाइनेंस हैंडल करना आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है फाइनेंस, आपको अकाउंट्स पसंद है, तो डेफिनेटली आप CS कर सकते हो। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको एकदम से पसंद आ जा रही है, कोई भी आपको थोड़ी सी कोई बात बता रहा है और आप कह रहे हो ओके ये बात तो बहुत अच्छी कही है आपने, तो आपको क्रिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर क्रिटिक्स करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग ना CS अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ऑलराइट, तो अब CS बनेंगे कैसे? तो देखिए, टू बिकम अ CS यू कैन परस्यू 3-4 years अंडर ग्रेजुएट कंपनी सेक्रेटरी प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीटिंग प्लस टू। देखो प्लस टू कॉमर्स से हो बेहतर है, प्लस टू कॉमर्स के बाद आप 3-4 साल का इनका प्रोग्राम होता है, वो आपको करना पड़ेगा। पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद ये प्रोग्राम पूरा पढ़ना पड़ेगा, 4-5 साल भी लग जाते हैं, उसके बाद आप CS बन सकते हैं। बात कर लेते हैं इनकी सैलरी की, तो 3 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक का पैकेज इन लोगों का लग जाता है, और ये बेस करता है और ये डिपेंड करता है आपके वर्क एक्सपीरियंस और आपके काम करने के तरीकों पर, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लास्ट कैरियर ऑप्शन इस वीडियो का रहेगा, वो है CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हो सकता है आपके लिए कुछ नया टर्म हो, तो डिस्कस कर तो समझ लेते हैं कि ये होते कौन है। देखिए यहाँ पर आपकी रेफरेंस के लिए मैंने लिख भी दिया है, द रिक्वायरमेंट ऑफ CPA इज़ वेरी हाई इन वेरियस फील्ड। इन फील्ड्स में इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि पब्लिक अकाउंटिंग, बिजनेस, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशन। ठीक है, द प्रोफाइल इंक्लूड फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो लोग क्या क्या करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, और साथ में इनको रिपोर्टिंग भी, मतलब लाइक अकाउंट्स की ही रिपोर्टिंग करना। ठीक है, मैनेजर अकाउंटिंग एंड ट्रेजरी कैश मैनेजमेंट, कैश का मैनेजमेंट या ट्रेजरी के मैनेजमेंट, गवर्नमेंट में ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो CPAs की आजकल भी बहुत डिमांड हो रही है सोसाइटी के अंदर। तो CPA बनने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए और कैसे बना जा सकता है, ये अब डिस्कस कर लेते हैं। एनालिटिकल स्किल्स, डेफिनेटली आपके पास एनालाइज करने की स्किल्स होने चाहिए। इसके बाद रिसर्च स्किल्स, आपको रिसर्च करने की एबिलिटी होनी चाहिए। हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, अपनी आदतों को बदलिए, आप गूगल और AI को यूज़ करना बंद कर दीजिए और खुद से रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद कम्युनिकेशन, डेफिनेटली कम्युनिकेशन एक बहुत प्राइमरी, एक मतलब की इंग्रेडिएंट है किसी भी अच्छी जॉब के लिए। फिर कंप्यूटर स्किल्स, यहाँ कंप्यूटर का यूज़ भी बढ़ जाता है। कंप्यूटर का यूज़ तो खैर हर जगह यूज़ होगा, लेकिन यहाँ कंप्यूटर स्किल्स की थोड़ी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका। कंसल्टेशन स्किल्स होना चाहिए, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल एज बिजनेस, मतलब आपको मैथमेटिक्स पसंद हो और बिजनेस भी पसंद हो तो आप CPA बन सकते हैं। फाइनेंशियल स्किल्स, डेफिनेटली आपके पास फाइनेंस हैंडल करने के लिए, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, डेफिनेटली अकाउंट्स की आपके पास स्किल्स अच्छी हो। और क्रिटिकल थिंकिंग की भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब कैसे बनेंगे जी CPA, तो चलो डिस्कस करते हैं। टू परस्यू CPA सर्टिफाइड प्रोग्राम द कैंडिडेट मस्ट हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री और इक्विवेलेंट, उसके पास ग्रेजुएशन या और इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन डिग्री हो। इसके बाद क्या चाहिए, टू एग्जाम CPA, टू एग्जाम CPA लाइसेंस द कैंडिडेट मस्ट कम्प्लीट 150 आवर्स ऑफ CPA सेमेस्टर, मतलब 150 आवर्स का कोई एक सेमेस्टर है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैनी स्टेट्स, मतलब हर स्टेट्स का अपना अलग रूल है, कुछ के कुछ 1 साल, कुछ 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं किसी CPA के अंडर में, मतलब यू हैव टू वर्क अंडर वन CPA इन सम स्टेट्स फॉर 1 ईयर और फॉर इन सम स्टेट्स फॉर 2 ईयर्स।
इंडियन स्टूडेंट शुड बी ICAI और ICMA मेंबर, मतलब आपको अगर CPA करना है तो आपको ICAI या ICMA का पार्ट बनना पड़ेगा, मतलब उनका मेंबर बनना पड़ेगा, है ना। और साथ में देखो इन्होंने लिखा है कि MBA और MCOM डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्रेफरेबल है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में 5 करियर्स के बारे में बात करी है, 16 करियर और मैंने चुने हैं कॉमर्स के बच्चों के लिए, जो कॉमर्स में एंटर कर चुके हैं या कॉमर्स में एंटर करने वाले हैं उनके लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी रिसर्च आप लोगों को कैसी लगी, ये मुझे डेफिनेटली आप बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली इसे लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए जो कॉमर्स लेने वाले हैं, जो कॉमर्स में हैं, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिले अपना करियर को चुनने में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे आगे 16 जो करियर मैंने आप लोगों के लिए चुने हैं।